जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? मैं इंजीनियर अमजद अली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस इस और डीसी क्लास विथ अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले क्लास 11 का, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का अगला वीडियो। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग क्लास 11 में क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्लास 11 में बच्चों पढ़ लिए हैं यूनिट, पढ़ लिए हैं डायमेंशन, भी पढ़ लिए हैं अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी डायमेंशन के अप्लीकेशन पर, हम लोग बात करेंगे कि 2014 से लेकर 2015, 2016, 2017, 18 में जो भी नीट में और आईआईटी जेई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से, उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ा दिया, ठीक है। चार एप्लीकेशन पढ़ाए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई किसी का डायमेंशन पता हो तो उस डायमेंशन का उपयोग करके, डायमेंशन का यूज़ करके हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि बीमा पता हो तो उसका मात्रक निकाल सकते हैं। पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन था एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं, CGS से जा सकते हैं न्यूटन में, न्यूटन से जा सकते हैं CGS। आप लोग को तो एक क्वेश्चन याद ही होगा, एक न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो एक न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग डायमेंशन का यूज़ करके जा सकते हैं, एक हमारा प्रणाली से, मात्रक की प्रणाली से दूसरे मात्रक की प्रणाली में जा सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे किसी भी फॉर्मूला को चेक करना, कोई फॉर्मूला करेक्ट है, दोनों साइड डायमेंशन निकालते थे, इस बराबर ut+ ½ AD² दिखाए थे, दोनों साइड डायमेंशन अगर बराबर होगा तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, डायमेंशन रॉन्ग होगा तो फॉर्मूला रॉन्ग है। चौथा चीज़ पढ़े थे कि हम लोग डिपेंडेंट पढ़ते हैं, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारा कितने वेरिएबल पर डिपेंड है, किसने कितने यूनिट पर डिपेंड है, ये डायमेंशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी निकालते हैं, डिपेंडेंसी निकालना मतलब फॉर्मूला निकालना, करेक्टनेस निकालना, ठीक है, उस फॉर्मूला को निकालना। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के सामने है, नीट 2014 में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन समझिए, ऑप्शन है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सॉरी 4 मार्क्स क्वेश्चन है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एफ वी एंड टी, यानी फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। इसका मतलब यहाँ मास को क्या मान रहा है, डिराइव्ड यूनिट मान रहा है। क्वेश्चन पहले समझिएगा, हिंदी में इसको सुन लीजिए, जो लोग हिंदी में भी नीट की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से और JEE की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं हिंदी में भी। देखो ये, अगर बल, वेग और समय मूल राशियां हो तो द्रव्यमान का, द्रव्यमान की बीमा निकालें। ऑप्शन है आप लोग के यहाँ पे KF V-2 T1, KF V-1 T1, KF²V²T, KF-1 V-1 T-1, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो बच्चों, आप लोग को याद है कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने पढ़े थे, तो 7 पढ़े थे, और 2 क्या पढ़े थे, सप्लीमेंट्री पढ़े थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और इन्फिनाइट नंबर 1000 में होगा हमारा डिराइव। अब देखिए, कभी भी जब नीट में और JEE में क्वेश्चन करेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को नहीं करता है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता है। हम उनको तो क्या करना है, छांटना है, उनको सेलेक्ट नहीं करना, छांटना है, ज़्यादा एप्लीकेशन है तो उसमें से छांटना है। तो आपको देखिए, यहाँ भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, किसको यहाँ फंडामेंटल मानना है, तो फोर्स को, वेलोसिटी को एंड टाइम को, इसको फंडामेंटल माना है, और मास को यहाँ पर क्या मान रहा है, डिराइव्ड मान रहा है। उल्टा हमारा फंडामेंटल होता है एफ, एम और टी, अब उसको भूल जाइए, इसने जिसको माना है उसको मानिए, फोर्स है, वी है और टी है, ठीक है, और हमारा मास है हमारा, और मान लिया ड्राइव उसी में। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन करना चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, जो फंडामेंटल पे जितना भी ड्राइव्ड यूनिट है, जितना भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, दे ऑल डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बिना फंडामेंटल के ड्राइव निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो हमारा मास का निकालना है, तो हम बोल सकते हैं मास किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एफ पे, और एफ के पावर ए लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ये है, फंडामेंटल अब इसको मान लिया MLT, अब ये हो गया MLT और ये हो गया ड्राइव,
फिर मास डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों, वी के पावर बी लगा दो, फिर मास डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों, टी के पावर सी लगा दो, ऐसे लिखेंगे। जो फंडामेंटल दिया रहेगा ना, ये इस पे तीनों ऐसे डिपेंड करा देंगे, इसका पावर ए ले लेंगे, इसका पावर कोई भी पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले इसी को लिखेंगे, आप वी को भी पहले लिख सकते हो, एम डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी के पावर ए, इतना तो लिख सकते हैं। हाँ तो अब देखिए ये तीन इक्वेशन बन गया, तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ के पावर ए, वी के पावर बी और टी के पावर सी, तीनों लिख दिए एक साथ। अब हम लोग को मैथ में रूल है बच्चों कि कोई भी मैथ में जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं अच्छा ए, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट लग जाना है, जब इक्वल टू लगेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ भी जब हम लोग ये हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट के लगाते हैं, एफ के पावर ए, वी के पावर बी और टी के पावर सी, इतना तो काम कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब इतना जब आप लोग काम कर सकते हैं तो देखिए अब मज़ा आएगा। अब टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन ले लेते हैं, यहाँ तक कर लिए ना, वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रही है, ठीक है, लाइटिंग भी ठीक है, ये थोड़ा सा नीट 2014। तो हाँ बच्चों अब कहाँ बात कर रहे थे, अब टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, यहाँ पे टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन लेने पर, बीमा लेने पर एम का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, हमारा एम ही हो जाएगा कैपिटल एम, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, एल जीरो टी जीरो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मास है, तो मास का हम लोग पहले बता चुके हैं, मास का होगा एम, लेंथ का होगा एल, टाइम का होगा टी, टेम्परेचर का होगा बड़ा के, और इलेक्ट्रिक करेंट का होगा ए बड़ा ए, ठीक है। यहाँ पे तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हमारा एफ का डायमेंशन होगा, यहाँ एफ का डायमेंशन याद है ना आप लोगों को क्या, तो एम एल टी माइनस टू, इसका पावर हो गया ए, ठीक है, गुड। अब आ जाइए वी का डायमेंशन, आपको पता है एल टी माइनस वन, इसका पावर हो जाएगा आपको बी, और टी का डायमेंशन आप लोग पता है टी ए होगा, तो इसका पावर हो जाएगा सी, तीनों को एक साथ हम लोग कर लेते हैं। अब चलिए सभी यहाँ भी एम है और कहीं एम नहीं है, सबको एक साथ कर देते हैं, इसके कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, बिना कंपेयर किए हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमको ए बी और सी का एक्चुअली वैल्यू निकालना है, ए बी और सी का इसमें वैल्यू निकाल कर रख देना है, तो कंपेयर करने के लिए एम के पावर वन, एल के पावर टू जीरो, टी के पावर जीरो, और यहाँ पे देखिए एम का पावर हो जाएगा ए, सिर्फ एम एक ही है कहीं नहीं है, एल का पावर हो जाएगा ए और यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे देखिएगा एल का पावर ए प्लस बी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एल निकालोगे तो मल्टीप्लाई में होगा एल का पावर ए, और ये क्योंकि बीच में इंटू है, इंटू एल का पावर बी, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, एल का पावर ए प्लस बी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ एल का पावर ए और यहाँ इंटू एल का पावर बी मिला, तो एल का पावर ए प्लस बी हो गया, और टी के पावर माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी, तीनों लिख दिए। अब इक्वेशन बैठा देते हैं, अब हमारा क्या लिख सकते हैं, ए बराबर डायरेक्ट कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स, दोनों साइड पावर को कंपेयर करने पर, दोनों साइड घात को हिंदी में लिखिएगा, दोनों तरफ घात को घातों की तुलना करने पर अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, तो अपने पास आ जाएगा a बराबर आ जाएगा वन, देखिए यहाँ पे ये होगा वन, ठीक है, फिर से हो जाएगा a प्लस बी बराबर जीरो, a प्लस बी बराबर हो जाएगा जीरो, a प्लस बी l का पावर a प्लस बी है, यहाँ पे l का पावर जीरो है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, तीन इक्वेशन अपने पास आ गया, तीनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे जगह है, मिटा दें इसको, क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन नहीं तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा ए तो अपना वन आ ही गया, अब यहाँ पे रखेंगे ए प्लस बी, यानी कि वन प्लस बी बराबर रखेंगे ज़ीरो, तो बी बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस वन, यहाँ पे बी भी हो गया माइनस वन, और इसमें रखिए ऑप्शन में माइनस टू इंटू
वन यानी के माइनस टू, माइनस टू, टू इंटू वन माइनस टू, और बी के जगह पर रखेंगे माइनस वन, तो पहले से ऑलरेडी माइनस है बी माइनस वन और प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस टू प्लस वन बराबर माइनस टू प्लस वन प्लस सी बराबर जीरो, तो सी बराबर यहाँ से माइनस टू में से एक घटा था माइनस वन इधर आया तो प्लस वन, यानी कि ये ए आ गया यहाँ पे आ गया बच्चों आप लोग को, यहाँ पे हम लोग को आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी, ये तीनों इक्वेशन आ गए, तीनों का वैल्यू आ गया ए बी सी का वैल्यू। अब यहाँ पे रखेंगे यानी कि एम हमारा क्या हो गया के एफ टू द पावर ए वन, वी के पावर बी 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 माइनस वन और सी के पावर यानी कि टी के पावर सी यानी कि वन, वन माइनस वन वन, वन एफ माइनस वन वी माइनस वन, एफ वन वी माइनस वन टी वन, तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, टी कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई बात नहीं है, ये हमारा हुआ बच्चों करेक्ट आंसर हुआ। आंसर एक बार मिला लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो एफ भी माइनस वन और टी वन है एकदम करेक्ट, ये आंसर हुआ। आप लोग को समझ में आया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा कभी भी कंपटीशन में आएगा तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो नीट में आ रहा है, दोज हु आर कमिंग इन द नीट, जो नीट में क्वेश्चन आ रहा है क्या वो जेई में नहीं आ सकता है, एकदम आ सकता है, जेई मेंस में आ सकता है। हाँ, जो जेई एडवांस में आता है वो क्वेश्चन आप लोगों को नीट वाले को नहीं करना है, आप लोग वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो नीट वाले को जेई मेन तक का क्वेश्चन करना है, जेई मेन तक करना है, एक साथ ही करना है, लेकिन जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं करना है। जेई एडवांस का क्वेश्चन पूरा वास्ट हो जाता है और वो नीट वाले के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। आ जाओ बच्चों, आप लोग के सामने बोर्ड पर सेकेंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में आया हुआ है। ठीक है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में आया है, 2015 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ EVNT मतलब एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा। तो सरफेस टेंशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, शायद हमने ये भूल गया था लिखवाना उसमें डायमेंशन में। तो सरफेस टेंशन बच्चों होता है एफ का क्या होगा, MLT मतलब डायमेंशन हम निकालते हैं, MLT माइनस टू और नीचे लेंथ का L, तो L से L कर गया तो क्या हो गया, सरफेस टेंशन का डायमेंशन कहीं निकालिएगा तो आप लोग लिख लीजिए MT माइनस टू हो गया सरफेस टेंशन का ये डायमेंशन होता है। ठीक है, तो सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, एफ भी और टी फंडामेंटल था और मास का निकलना था, यहाँ पे ई भी और टी फंडामेंटल है और किसका निकलना है, सरफेस टेंशन का निकलना है। तो सीधी सी बात है, हम लोग चलते हैं, चार ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन में कि हमारा सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तीनों पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तीनों पे, क्या ई के पावर ए अलग अलग नहीं है किस साथ लेते हैं, वी के पावर बी और टी के पावर सी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कॉन्स्टेंट सरफेस टेंशन बराबर के ई के पावर ए, वी के पावर बी और टी के पावर सी। अब वहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कंपटीशन में तो टेकिंग लॉ ये वो दोस्त ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना आपके माइंड में हो सका वो माइंड में, जो पेपर में जो माइंड में नहीं हो सकता उसको ही पेपर में दिखाइएगा रफ में चेक कीजिएगा, नहीं तो जितना आप जल्दी से कर सकते हैं यहाँ पे। अब डायमेंशन निकालते हैं दोनों साइड हम लोग, के का कोई डायमेंशन नहीं, ई का पावर ए, वी के पावर बी और टी के पावर सी, इतना भी नहीं कीजिएगा आप डायरेक्ट डायमेंशन लिखिएगा, तो ये हो गया एम के पावर वन क्योंकि एम टी माइनस टू, एल के पावर जीरो, टी के पावर माइनस टू स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि एल का पावर भी इधर रहेगा। ई आ जाए, ई आप लोग को याद है ई क्या क्या होता है, ई बराबर होता है फोर्स वर्क, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हो गया फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू आई इंटू डिस्टेंस एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ई का हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का पावर ए, और भी है वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन का पावर बी, और टी है टाइम तो टी के पावर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब इसको लिखेंगे एम कहीं है नहीं है तो एम का पावर हो गया सिर्फ ए, एल का पावर देखिए टू ए, यहाँ पर टू इंटू ए टू ए, और यहाँ पे b 2a प्लस बी, और t के पावर माइनस टू ए प्लस माइनस टू ए माइनस बी
और प्लस सी, ये आ गया एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू, ये हुआ हमारा। अब कंपेयर कर देते हैं, ए सीधे इससे, ये वाला हो जाएगा इससे, कंपेयर कर देते हैं। जैसे कंपेयर करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आ गया, ये मिटा देते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हमको जो मिलता है वो मिलता है a इक्वल टू मिलता है वन, क्योंकि a m का पावर a है, इधर m का पावर वन है, तो a इक्वल टू वन, m दोनों का पावर जब कंपेयर किए। और फिर से मिलता है, ये हो गया क्वेश्चन वन, और फिर से मिलता है टू ए प्लस बी l का पावर है, इधर l का पावर है ज़ीरो बराबर ज़ीरो, a का वैल्यू रख दो तो टू इंटू वन प्लस बी बराबर ज़ीरो, तो b बराबर हो गया माइनस टू। ठीक है, दो चीज़ मिल गया। अब तीसरा देखिए, फिर है माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी टी के पावर माइनस टू। ठीक है, वैल्यू लगा देते हैं तो माइनस टू इंटू वन, माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस टू है, पहले से माइनस और माइनस टू, और प्लस सी बराबर माइनस टू, तो माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू और प्लस सी बराबर माइनस टू, तो ये तो गया, तो सी बराबर हुआ बच्चों माइनस टू। ठीक है, यानी कि हमको क्या आएगा, तो ए के पावर हो गया, ई के पावर हो गया ए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये आंसर आ जाएगा ई के पावर ए यानी कि वन, भी के पावर बी यानी कि माइनस टू, और टी के पावर सी यानी कि टी माइनस टू, ई वन भी माइनस टू टी माइनस टू, ई वन भी माइनस टू टी माइनस टू। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा बच्चों। मज़ा आ रहा है करने में, देख लीजिए एक बार खूब बढ़िया से देख लीजिए, कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आ जाओ बच्चों, अब आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2017 का है, 2017 का जेई मेंस का ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग, आप दो क्वेश्चन कर लिए आप लोग, तो अब आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन देगा कि फंडामेंटल किसी और को देगा, किसी और को निकालने के देगा, तो उस तरह क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, डायमेंशन आपको बस पता होना चाहिए। तो इस तरह का आप लोग क्वेश्चन अब करने आ गया, हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या कहा है बच्चों, इफ़ टाइम टी वेलोसिटी सी, ये वेलोसिटी सी लिया है तो हम लोग सी लेंगे, क्या दिक्कत है, और एंगुलर मोमेंटम एच आर फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल टाइम वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आप लोग जानते हैं, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एच बराबर होता है, एक तो मोमेंट होता है, पी बराबर होता है एम वी, और इसमें आर मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम यानी कि एम वी आर होता है, ये एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया, इसका डायमेंशन निकालोगे एंगुलर मोमेंटम का, तो एम का हो जाएगा एम, वी का हो गया एल टी माइनस वन, और आर हमारी दूरी है तो एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, तो किसका निकालना है, मास का निकालना है, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे, एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, डायरेक्ट इक्वल टू लिख लेते हैं, इक्वल टू बराबर के टी का पावर ए, पहले टी को ले लेते हैं, सी के पावर बी और एच के पावर सी, तीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन फंडामेंटल है, टाइम है, वेलोसिटी है और एंगुलर मोमेंटम, किसका निकालना है, मास का, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टी के पावर ए, सी के पावर बी और थर्ड एच के पावर सी पे होगा हमारा। ठीक है ना, ठीक है, अब आ जाइए, अब चलते हैं हमारा डायमेंशन निकालने दोनों से, ये हो गया एम एल स्क्वायर एल ज़ीरो टी ज़ीरो, इधर तक के का कांस्टेंट, टी का हो गया ए, सी हमारा ये वेलोसिटी है, ये मैं समझिएगा सी कुछ और है, तो ये हो गया एल टी माइनस वन का पावर हो गया बी, और ये एंगुलर मोमेंटम का यहाँ से लिख लेते हैं तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन का पावर हो गया सी। तो अब चलते हैं कंपेयर करने के लिए, एम एल टी ज़ीरो, एम का पावर वन है तो एम कहाँ है, एक ही एम है, इसको पहले लिख देते हैं, तो एम का पावर हो गया सी, सी और कोई एम है नहीं है, एल का पावर खोजिए, एल का पावर यहाँ पे बी है और एल का पावर प्लस टू सी है, देख लीजिए इसको, एल का पावर बी और इंटू होगा एल का पावर टू इंटू सी टू सी, तो एल का पावर बी प्लस टू सी नहीं होगा, तो ये इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इंटू टी के पावर ए, यहाँ पे माइनस वन इंटू बी माइनस बी और माइनस सी, तीनों को कंपेयर करते हैं तो एम का इधर सी डायरेक्ट आ गया, सी बराबर हो गया वन, सी आ गया यहाँ पे, और दूसरा बी प्लस टू सी बराबर एल का पावर बी प्लस टू सी बराबर ज़ीरो,
ठीक है, c इक्वल टू वन रखते हैं तो b प्लस टू इंटू वन बराबर जीरो, तो b बराबर हो गया माइनस टू। और तीसरा कंपेयर करते हैं, इसका करते हैं ये, तो a माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो। ए निकालना है, b है माइनस टू, तो पहले से माइनस है तो माइनस टू, और c है माइनस वन बराबर जीरो, तो a प्लस टू माइनस वन बराबर जीरो, तो a प्लस वन बराबर जीरो, तो a बराबर हो गया माइनस वन। a b और c हम लोग तीनों निकाल लिए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, m हो जाएगा। k लिखिए ना लिखिए कोई वैल्यू नहीं है, t का पावर a तो t हमारा क्या है वन माइनस वन, c का पावर b तो c है हमारा माइनस टू, और h का पावर c तो h का पावर c तो ये वन, ये होगा आंसर। ठीक है, देखिए आसान है कि नहीं, एक मिनट से भी कम लगेगा। आंसर देख लिया, टी के पावर माइनस वन, सी के पावर माइनस टू और एच के पावर वन। हाँ ठीक है, करेक्ट है ये आंसर। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है कि भारी लग रहा है? बस आसान लग रहा है सर। चलो बच्चों आओ, अब आप लोग के बोर्ड के सामने है अगला क्वेश्चन, 2016 जेई मेन्स का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग घबराइए नहीं। जेई में थोड़ा सा टफ पूछता है, लेकिन मेंस में यार तो नीट के बराबर ही पूछता है, तो मेंस में नीट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे करंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। सो करंट को हमको रिप्रेजेंट करना है अब डायमेंशन में, आई से, ए से नहीं। देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आप लोग 10 क्लास में ये पढ़े होंगे आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। और कोई भी जेई मेंस या एडवांस का देगा तो 12 के बाद देगा, तो 12 में तो ये बहुत रगड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रो निकालोगे तो आर ए बट्टा एल होगा, रो आर ए बट्टा एल, ये हो गया रेजिस्टिविटी। इसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ये सिग्मा बराबर वन बट्टा रो, यानी इसको उल्टा करो तो एल बट्टा आर ए हो गया हमारा कंडक्टिविटी, ये हुआ कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका हमको निकालना है डायमेंशन, तो सिग्मा बराबर एल बट्टा आर ए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है बच्चों, तो भी भैया ही रेशियो वोल्टेज टू द करेंट, तो लिख देते हैं यहाँ पे L को रहने देते हैं, L तो फंडामेंटल ही, R के जगह पर हम लोग क्या लिखना है, V बट्टा आई इंटू A के जगह पर A रहने देते हैं, I चला जाएगा ऊपर, तो L इंटू आई बट्टा वी ए। ये भी जानते हैं वी इसका क्या होता है, डब्ल्यू बट्टा क्यू होता है ना, इसको भी लिख देते हैं सिग्मा बराबर एल आई बट्टा वी के जगह पर W बट्टा क्यू इंटू ए, डब्ल्यू बट्टा क्यू इंटू ए, क्यू चला जाएगा ऊपर, तो एल आई इंटू क्यू बट्टा डब्ल्यू, अभी डब्ल्यू बट्टा डब्ल्यू इंटू ए बचा, तो सिग्मा बराबर एल आई क्यू, और डब्ल्यू हमारा क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स और डिस्टेंस क्या हो गया एल, फोर्स हमारा क्या हो गया यहाँ पर लेंथ, डिस्टेंस का हमारा डायमेंशन क्या होगा लेंथ एल, इंटू ए को रहने देंगे, बाद में डायमेंशन लिखेंगे, इस एल से इस एल को काट देते हैं। ठीक है, अब सबका डायमेंशन लिख देते हैं, क्योंकि हमको इसका कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना है, ये हुआ हमारा कंडक्टिविटी, ये लिख लीजिए, सब पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इधर इसका डायमेंशन निकालोगे तो आई हमारा आई रहना है, और आई बराबर क्यू बटा टी होता है, तो क्यू बराबर आई टी, तो ये भी हो गया आई इंटू टी, इस क्यू के जगह पर नीचे एफ हो गया हमारा एम एल टी माइनस टू, और ए हो गया हमारा एल का स्क्वायर। ठीक है ना, अब ले जाते हैं ऊपर, तो सिग्मा का हो जाएगा हमारा एम का पावर माइनस वन, ये ऊपर गया माइनस वन, एल और एल स्क्वायर, एल का पावर हो गया माइनस थ्री, ऊपर गया तो दो और एक मिलकर तीन माइनस थ्री, और पहले से ऊपर टी एक है और एक और टी गया प्लस, तो टी के पावर प्लस थ्री, ऊपर जाएगा था प्लस टी के पावर प्लस थ्री, और आई आई स्क्वायर, ये हुआ आंसर। देखिए तो एम का पावर माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी थ्री और आई स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया आपका 2016 जेई मेंस का क्वेश्चन, हुआ कितना आसान है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद है तो आपको। चलो बच्चों आप लोग के सामने अलग क्वेश्चन है एक 2016 जेई का, जेई मेंस का, कह रहे बच्चे ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, इफ़ ए बी सी एंड डी आर फोर फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन, चार भौतिक राशियाँ ए बी सी डी जिसका अलग अलग बीमा है, एंड देन ए डी बराबर इतना दिया है,
किसके बराबर होगा, ये एडी कह रहा है किसके बराबर होगा, इस चारों में ऑप्शन आप लोग का है। तो इसीलिए आप लोग का लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लॉग का थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसे लॉग यहाँ पे लिखोगे लॉग 100, बेस अगर 10 रहेगा तो हम लिख सकते हैं इसको लॉग 10 का स्क्वायर और बेस 10, ठीक है। तो ये 2 आ जाता है बाहर, 2 लॉग 10 बेस 10, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। एक चीज़ और, आपको लॉग में हमेशा क्या रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। क्यों? क्योंकि लॉग किसी एक्सपोनेंट का ही 10 का स्क्वायर 100, तो लॉग, ठीक है, 100 10 का कितना स्क्वायर होगा, उल्टा होता है एक्सपोनेंट का। तो कभी भी लॉग में नंबर ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए बी डी इसका लू 5 होगा तो डी इसका लू केजी नहीं होगा, ये भी कोई नंबर ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 केजी है तो ये 1/kg होना चाहिए, इस दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए। तो एक को मान लेते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, डी इक्वल टू मान लेते हैं लेट डी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, चाहे वाई मान लो वाई, देन बी मानना पड़ेगा 1/y, एकदम फिक्स है। इसको मानोगे वाई तो ये हो जाएगा 1/y, तब दोनों कट जाएगा, वाई इंटू 1/y कट जाएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वो बच जाएगा। अब देखिए इसके अंदर का तो कोई डायमेंशन गया, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचा, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं रहा। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर सी, ये डायमेंशन। अब तो डी मान ही चुके हैं, बी तो हो ही गया है, तो क्या मानना है, या तो ए को मानना है या सी को मानना है। तो मान लेते हैं लेट ए बराबर एक्स, सी का वैल्यू आ जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा एक्स ए के जगह पर एक्स, और डी के जगह पर हो जाएगा वाई एक्स वाई। तो सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और डी भी आ गया। रखते हैं वैल्यू जिसमें हमारा डायमेंशन दोनों का बराबर हो जाएगा, इसका और इसका, इसका इसका और इसका, इसका और इसका, तो हमारा आंसर होगा। तो पहला में ए में चलते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस बी है 1/y का स्क्वायर, वो स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर, एन टू सी का स्क्वायर तो सी है एक्स स्क्वायर एन टू वाई स्क्वायर, तो y से y गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपको पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा, और भी आगे का जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे, नया नया हम लोग टॉपिक पढ़ने के बाद, एक जनरल क्वेश्चन करने के बाद, हम IIT JEE जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है मैं आप लोग 100% कराऊंगा आसान तरीकों से, और नीट का भी क्वेश्चन कराऊंगा। और प्लीज़ आप लोग जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और पीछे जाकर जो लोग नए हो वीडियो देखिए पूरा। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।